तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये सब बातें कोई आपको मिस्त्री नहीं बताएगा। जो भी मैं ज्ञान बता रहा हूँ, हालांकि ये डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद ही आपको मिलता है सीखने के लिए। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू मेरे चैनल सिटेक फर्नीचर। सो गाइज, आज हम बात करेंगे इंची टेप के बारे में। आपको साइड पे इंजीनियर प्लान देता है काम करने के लिए, अब वो अक्सर सेंटीमीटर या इंचिस में होता है। तो इंचिस में हम तो टेप देकर समझ जाते हैं कि ये कैसा लिखा है, क्या लिखा है, लेकिन अक्सर क्या होता है पेपर में जो प्लान में होता है उसमें लिख के आता है। तो लिख के आता है तो उसको हम कैसे समझें कि वो क्या लिखा हुआ, कितना इंच में लिखा हुआ है, सूत में लिखा हुआ है, आधा सूत में लिखा हुआ है, सवा सूत में लिखा हुआ है, डेढ़ सूत में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी इंजीनियर से काम लीजिए डायरेक्ट प्लान के साथ में, उसको बेगर झिझक। हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे आपको मेजर टेप के बारे में। सबसे सीक्रेट बात है जो कि इसके जानकारी के अभाव में कोई भी कारपेंटर भाई इंजीनियर के काम में जो भी प्लान मिलता है वो लिख कर देता है, वो आसानी से समझ नहीं पाते हैं और उसी डर की वजह से डायरेक्ट इंजीनियर से काम नहीं ले पाते हैं और ना ही कर पाते हैं। हालांकि सभी जानते हैं मेजर टेप है, लेकिन इस मेजर टेप के अंदर क्या क्या सीक्रेट बातें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, वही मैं बताऊँगा। जैसे ऑलमोस्ट मान लीजिए ये एक इंच लिखा हुआ है, ये दो इंच है, ये तीन इंच है, चार इंच है, ये तो सभी समझ जाते हैं। इसके अंदर भी लिखा हुआ है एक सूत, दो सूत, तीन सूत, चार सूत, पाँच सूत, छः सूत, सात सूत, आठ सूत, फिर दो सूत, फिर चार सूत, फिर पौना इंची, फिर एक इंची। लेकिन अगर वही चीज़ इंजीनियर आपको प्लान देता है काम करने के लिए और उसमें ये सारी बातें लिख के देता है, ढाई सूत भी होता है, डेढ़ सूत भी लिख के देता है, साढ़े तीन सूत, साढ़े चार सूत, साढ़े पाँच सूत, साढ़े छः सूत, साढ़े सात सूत, फिर एक सूत से भी कम लिख के देता हो, तो आप कैसे लिखेंगे उस चीज़ को या कैसे समझेंगे? तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि हमारे नए कारपेंटर भाई के लिए बहुत ही काम की बात है। ये सब बातें कोई आपको मिस्त्री नहीं बताएगा, चाहे आपकी ज़िंदगी क्यों ना बीत जाए। तो हमारे वीडियो पर कंटिन्यू वॉच कीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको फिर बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है। वो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ और इसका मीनिंग क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे। हालांकि आप देख पा रहे होंगे ये एक लिख करके इसके ऊपर एक सिंबल लगाया हूँ मैं। ये सिंबल का पहचान ये है कि इसे हम फीट बोलते हैं, यानी कि एक फीट। अगर यही एक के ऊपर डबल सिंबल है यानी क्रॉस का ऐसा हल्का सा, तो समझ जाइए ये इंच पढ़ा जाएगा। अगर यही एक बट्टे आठ लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया एक सूद, यानी एक इंच का आठवां हिस्सा, इसका मतलब यही होता है। और ये लिखा एक बटे चार यानी कि वन बाई फोर, यानी कि दो सूत हो जाएगा। ऐसे ही एक बट्टे दो का मतलब हो जाएगा आधा इंची, तीन बट्टे चार का मतलब हो जाएगा पौना इंची, तीन बट्टे आठ का मतलब हो जाएगा तीन सूत, पाँच बटे आठ का मतलब हो जाएगा पाँच सूत, सात बटे आठ का मतलब हो जाएगा सात सूत, फिर यहाँ पे एक एक इंची ये हो गया, उसके बाद लास्ट में आता है आपको एक इंची, ठीक है। यानी ये एक इंच से सब कम ही है एक सूत, लेकिन अगर मान लीजिए उसने आपको डेढ़ सूत लिख के दिया है, तीन सूत लिख के दिया है, अढ़ाई सूत है, साढ़े तीन सौ, साढ़े चार सौ, साढ़े पाँच सौ, तो वो कैसे लिखेंगे? तो वही अब मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। अभी मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अभी मान लीजिए ये तीन बटे सोलह लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, पाँच बटे सोलह का मतलब क्या हुआ, सात बटे सोलह का मतलब क्या हुआ, और नौ बटे सोलह का मतलब क्या हुआ, ग्यारह बटे सोलह का मतलब क्या हुआ, तेरह बटे सोलह का मतलब, पंद्रह बटे सोलह का मतलब, यानी कि तेरह बटे सोलह का मतलब हो जाएगा डेढ़ सौ, पाँच बटे सोलह का मतलब हो जाएगा अढ़ाई सौ,
सात बटे सोलह का मतलब हो जाएगा 350, 9/16 का मतलब हो जाएगा 450, 11/16 का मतलब हो जाएगा 550, 13/16 मतलब हो जाएगा 650, और 15/16 का मतलब हो जाएगा 750। अब यही चीज़ मैं आपको टेप में समझाता हूँ। अब समझ लीजिए, ये आधा सूत है। अगर आधा सूत ने लिखा है तो ऐसा लिखा रहेगा पेपर में या ड्राइंग में या प्लान जो भी मिलता काम करने के लिए। अगर उसने डेढ़ सूत लिखा है, डेढ़ सूत हो जाएगा एक और इसके आधा डेढ़ सूत, तो 3/16 हो जाएगा। ऐसे ही ढाई सूत है तो 5/16, 350 है तो 7/16, 450 है तो 9/16, 550 है तो 11/16, अगर 650 है तो 13/16, अगर 750 है तो 15/16। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आधे के अंदर भी अगर आधा लिखा हुआ है, आधे के अंदर यानी आधा सूत के अंदर का उसका आधा किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो वीडियो बने रही है। अभी मान लीजिए 1/32, फिर 3/32, एक उसके ऊपर सिंबल देना आप नहीं भूलिए। हालांकि इसके आगे और भी है, मैं सिर्फ आपको इतना ही समझा रहा हूँ अभी, जो भी मैं ज्ञान बता रहा हूँ। हालांकि ये डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद ही आपको मिलता है सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको फ्री में सब ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक कारपेंटर काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और ज्ञान और विद्या कोई पेट से सीख के आता नहीं है, हर एक आदमी सीखता है। मैं भी सीख रहा हूँ किसी से। अब जैसे मान लीजिए ये 1/8 लिखा है, 1 इंच लिखा है, मान लीजिए 1 फीट तो सबको मालूम है 1 फीट 12 इंच का होता है, लेकिन अब 1 इंच है तो 800, यानी कि 800 का 1 इंच होता है, और 1 सूत हो जाएगा यानी कि इसके 8वां हिस्सा 1 इंच का, 2 सूत हो जाएगा 2 सूत, ये मैं समझा चुका हूँ, लेकिन अब बताऊँगा 150। 150 ये हो जाएगा 1, यानी कि समझ लीजिए ये 16 में क्यों लिखा हूँ नीचे, यहाँ पे 8 क्यों लिखा हूँ, यहाँ 32 क्यों लिखा हूँ, यानी कि पहले 8 सूत का 1 इंच हुआ, अब उसके 8 इंच के यानी 1 सूत में अगर आधा किया जाए तो 16 भाग हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16वां हिस्सा का कोई एक पॉइंट ऊपर, ये 16वां हिस्सा है उसका एक पॉइंट। तो जब मैं यहाँ 1 लिखा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 16वां के यानी कि आधा सूत हो जाएगा, यानी 16वां हिस्सा का 1 आधा सूत। वहीं 3 लिख दूंगा तो अब यहाँ से गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, यानी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 5 लिखा है तो फिर यहाँ से गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 250 हो जाएगा। तो ऐसे ही जितना है ये आगे पॉइंट बढ़ता जा रहा है। अभी मान लीजिए 7 लिखा हुआ था, फिर यहाँ से गिनती कीजिए, नहीं समझ में आता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 300 तो ये है ही, और 3 का एक और आधा पकड़ जाए कितना हो जाएगा, 1 सूत में आधा तो 1 सूत में 2 हो जाएगा, फिर 1 सूत में 2, फिर 1 सूत 2, 6 हो गया, फिर इसका आधा 3.5 हो गया तो 7 सूत हो जाएगा, नहीं सॉरी 7 पॉइंट हो गया, यानी 7 आधा आधा हो गया तो 3.5 माना जाएगा। ऐसे ही 9 है तो 9 का 4.5 हो जाएगा, 11 है तो 5.5 हो जाएगा, 13 है तो 6.5 हो जाएगा, और 15 है तो 7.5 हो जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा। फिर आधा एक और मिलाएंगे तो 8 हो गया, यानी 800 तो आपका हो गया पूरा, यानी कि 16 भाग पूरा हो गया, 8 का आधा आधा। अब 32 का कैसे लेंगे मानेंगे, तो मान लीजिए ये 16 हो गया और इसके आधा आधा और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा उसका, यानी कि 1 सूत में 4 भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा, तो ये कितना है, 8 सूत है, तो 4 और 8 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना कीजिए, तो 8 चौका 32 हो गया। तो इसके जो अंदर लिखा जाएगा
आप कहीं भी देखे होंगे अक्सर ड्राइंग में तो कम मिलता है ये देखने के लिए, लेकिन जब आप ड्रिल का बीट या आप ख़रीदते हैं काम करने के लिए तो देखे होंगे एक सूत से भी कम रहता है, उससे भी एक कम रहता है, एक 1.25 सूत के करीब रहता है, एक 1.5 सूत के करीब रहता है। तो ऐसे ऐसे जब आप बीट ख़रीदेंगे काम करने लिए तो उस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, उस पर सारी बातें ये लिखी होती है। तो 1/32 का मतलब हो गया यानी आधा का भी आधा, 3/32 का मतलब हो गया यानी कि 1/4 सूत हो जाएगा, देख रहे हैं 1/4 सूत, और बाकी 1 सूत तो 1/8 हो ही गया। अब 1/4 सूत कैसे लिखा जाएगा, यानी 5/32 यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 7/ लिखा हुआ तो इसके आगे जितना बढ़ता जाएगा उसके आगे आगे सब ये पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जितना ये पॉइंट आगे बढ़ेगा उतना ही ये पॉइंट यहाँ से आगे काउंटिंग होती चली जाएगी। तो ये मेन मेथड है समझने का, और इसी तरह से आप टेप के बारे में और इंजिस के बारे में आप समझ सकते हैं कि प्लान में क्या लिखा हुआ है, और आप अपने काम आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।